हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू से पकौड़ी। और एक कच्चा आलू है, दो कच्चे आलू से हमने इसे कट कर लिया है चाकू से, और इतना प्याज भी हमने कट करके रखा है। दो प्रकार की पकौड़ी बनाऊँगी, और ये चटनी के लिए है। और चलिए, इधर हम बेसन ले लेते हैं। एक बर्तन में 4 कप हम बेसन लेंगे, 2 कप हो गया है। और ये चावल का आटा, चावल के आटे से बहुत क्रिस्पी पकौड़ा बनता है और कुरकुरा खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आपके पास अगर चावल का आटा नहीं है तो सूजी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, और ये हल्दी पाउडर है 1 चम्मच, आप चाहें तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी बन जाएगा। धनिया पाउडर, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा। लाल मिर्च, और ये हरी धनिया, हरा प्याज, और 3-4 हमने मिर्च कट करके लिए हैं हरे, क्योंकि हरे मिर्च से खाने में पकौड़ी थोड़ी तीखी होती है, तभी अच्छी लगती है। आप इसे चिप्स वाली पकौड़ी भी बोल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि मैंने आलू को चिप्स आकार में काटा है। और ये फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसको हम मिला देते हैं, और इसमें आलू बॉईल करने का भी झंझट नहीं। फटाफट आलू छीलिए और बना लीजिए, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। देखिए, ये बैटर अच्छे से हम इसको बहुत हमें गाढ़ा नहीं रखना है और ना ही बहुत पतला। लेकिन बेसन बहुत गाढ़ा रहता है तो पकौड़ी अच्छी नहीं बनती है। थोड़ा इसको हम वैसा ही रखेंगे। अगर आप बेसन टाइट रखेंगे तो पकौड़ी हार्ड बनेगी, अगर थोड़ा ढीला रहेगा तो पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनती है, बढ़िया खाने में लगती है। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, बेसन को अच्छे से फेंटना है हमको। और चलिए, इधर तब तक इसको सेट होने के लिए रख देते हैं। चावल का आटा भी फूल जाएगा और बेसन भी। तब तक इधर चटनी बना लेते हैं। ये 2-3 हरी मिर्च हमने डाली है, ये धनिया पत्ता है, ये प्याज है हरा, और ये टमाटर है, हमने छत पे ही लगा रखा है। हरा प्याज, हरी धनिया, और स्वाद अनुसार नमक, और 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच जीरा। चलिए, तब तक इसके साथ चटनी, और ये बहुत अच्छी चटनी लगेगी पकौड़े के साथ। और इधर हमने आलू इसमें बैटर में डाल दिए हैं, बेसन वाला जो रखा है घोल। और अगर ज़्यादा टाइट बेसन रहेगा तो इस पे ज़्यादा लग जाएगा, ऐसे हल्का हल्का रहेगा तो ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। ये चिप्स वाली पकौड़ी है। इधर तेल हमने रख दिया था गर्म होने को, तेल गर्म हो गया, एक एक करके ऐसे डाल देते हैं। आप इसको चिप्स वाली पकौड़ी भी बोल सकते हैं। ऐसे ही सारी डाल देंगे एक एक करके। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हम जितनी आएंगे उतनी डाल देंगे इसमें। प्याज काटने में थोड़ा झंझट लगता है, लेकिन आलू बहुत जल्दी कट भी जाता है, और ऐसे ही 2 आलू से काफ़ी ये चिप्स बन के तैयार हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया फूली भी हैं, बिल्कुल लग रही ना मिनी पूड़ी जैसी छोटी छोटी, और खाने में तो ये अच्छी लगेगी ही, और बहुत अच्छे से पक भी जाती है, कच्चा भी नहीं रहता है आलू। देखिए, फूल चुकी हैं ये, अब इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया फूली है ये। सारी ऐसे एक एक करके निकाल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया कलर आया है इसका। और ये जो छोटे छोटे हैं वो भी निकाल देते हैं। आवाज़ भी आ रही है, और देखिए कितनी छोटी पूड़ी जैसी लग रही है, और इनको निकाल लेते हैं। चलिए, अब इसी में प्याज की भी बना के दिखाते हैं आपको। ये प्याज अभी लग रहा है कि बिखरा बिखरा, लेकिन अभी देखिए ये अपने सेप में आ जाएगी, क्योंकि हम बेसन का घोल है जो पतला रखते हैं, क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी पकौड़ी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अगर आप गाढ़ा रखेंगे तो हार्ड बनेगी। जितनी आएंगे वैसे डाल देंगे। अभी लग रहा है जैसे प्याज बिखरा बिखरा है, लेकिन ये बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। देखिए, अपने सेप में आ चुकी हैं, और इनको उलट पलट के ऐसे सेंक लेते हैं। कलर भी पकौड़ी का चेंज हो गया है।
प्याज की भी अच्छी लगती हैं, लेकिन आलू वाली भी अच्छी लगती हैं। उसमें कोई झंझट भी नहीं है, कभी भी आप बना के खा सकते हैं। आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो आलू छीलिए और फटाफट बना लीजिए। और देखिए ये प्याज वाली भी अपने शेप में आ गई हैं, कितना बढ़िया बनी है, लच्छे लच्छे दिख रहे हैं। और ये खाने में तो है ही अच्छी। पकौड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। और चलिए अब हमने प्लेटिंग भी कर ली है। ये बीच में प्याज वाली हैं और ये आलू वाली हैं, और इनको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए आलू कितना अच्छा पका भी है, और चटनी तो हम पहले से बना के रखे हैं। आप लोग देखिए कितनी बढ़िया हरी हरी चटनी दिख रही है हरे प्याज की। आप लोग भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।